तो ज्यादातर मैं सोचता हूँ मैं समोसा और मोमो ही खाऊं। पूरा घर का साफ सफाई कर होता हुआ बहुत दिनों से। ये रहा समोसा, जिसे खाना है तो आप इतना मूंगफली है, कर ले। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। अभी मैं सो के उठ गया हूँ, अभी 6:30 बज रहा है, तो आज थोड़ा जल्दी ही उठ गया। तो अभी पहले बड़ा सूरज करता हूँ, उसके बाद आप छाया के मिलता हूँ। अभी मैं फ्रेश हो गया हूँ, बड़ा सूरज कर लिया हूँ और गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग में कुछ स्पेशल ही रहेगा, क्योंकि आज जो मम्मी पूरे घर की साफ़ सफाई करने वाली है। अभी जैसे मैं सो के उठा हूँ तो मम्मी अभी लग भी गई है साफ़ सफाई करने के लिए, पूरा आज घर का साफ़ सफाई कर रही है। तो मुझे भी उनके साथ साफ सफाई में हाथ बटाना पड़ेगा, उनका पूरा घर साफ़ करने में, और साफ़ भी करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि बहुत दिन से साफ़ किया नहीं, तो थोड़ा गंदा भी था तो अच्छा लगता नहीं आया। गंदा रहता तो कुछ अलग ही वाइब आती है, पूरा घर में झोल मकड़ा ये सब हो रहा, सारा हो रखा खाका था उधर, क्योंकि उधर जो है अभी काम हुआ नहीं, तो अंधेरा अंधेरा रहता है, तो उधर बहुत ज़्यादा ही गंदा है। और इधर भी हमारे लोग का सामान वामान इधर उधर फेंका रहता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हम लोग आज पूरे घर की साफ़ सफाई करने वाले हैं। तो मुझे लगता नहीं कि आज नाश्ता बन पाएगा, क्योंकि अभी से साफ़ करने बैठेंगे तो 2 घंटा 2.5 घंटा तो लग ही जाएगा पूरा घर को साफ़ करने में। तो आज ब्रेकफास्ट भी नहीं होगा, सीधा लंच ही होगा। चलो पहले साफ़ सफाई कर लेते हैं मम्मी के साथ। आज पूरा घर का साफ़ सफाई कर होता हुआ, बहुत दिनों से घर का साफ़ सफाई भी नहीं हुआ था, तो आज हुआ। इसका ब्रश अभी हो रहा है, ये अभी 6 बजे ही उठ जाता है और 9 बज रहा है, तो अभी ब्रश कर रहा है इतना लेट से। पूरे घर की साफ सफाई भी पूरा हो गया है, हम लोग को का तो बैंड बज गया साफ करते करते, साफ करते करते पता भी नहीं चला कितना टाइम लग गया यार। तो 3-3.5 घंटा लग गया, हम लोग को लगा था थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बट साफ करने जाओ तो पूरा चीज़ साफ करते पूरा टाइम ही, और हम लोग को नाश्ता भी नहीं किया, तो भूख से हम लोग का पूरा जान जा रहा है। अभी हम लोग नहा भी लिए हैं, सभी अभी नहा लिया है घर में साफ सफाई करके, तो अभी हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लग रखा है। अभी मम्मी खाना बना रही है, अभी खाना बना नहीं है, तो अभी खाना बनने में अभी भी 15-20 मिनट का टाइम है, तब तक क्या करूँ यार, भूख बहुत ज़्यादा लग रखा है। तो अभी बस बन जाता है खाना तो खाते हैं खाना, बहुत ज़्यादा आज भूख लग गया हम लोग को साफ सफाई के चक्कर में। आज खाने में है चावल दाल चोखा और कचड़ी। कालू अभी YouTube पे वीडियो देख के कीड़ी मंगाने का मम्मी को अभी लगा रहा है चूना। मम्मी का बहुत बोल रहा है कि ये क्रीम मंगा दो, इसमें इससे पिंपल विम्पल जो भी है वो सब चला जाता है, मतलब YouTube पे कोई वीडियो देख लिया था तो जो क्रीम का, इसलिए मम्मी को दिखा रहा है कि मम्मी उसको ऑर्डर कर दे और मंगवा दे। ऐसा कोई क्रीम नहीं होता जिससे कि पूरा ठीक हो जाए पिंपल विम्पल ऐसा, और कालू को तो बहुत ज़्यादा ही पिंपल हो जाता है, इसलिए मंगाने का कोशिश कर रहा है। अभी हम लोग सभी खाना पीना खा के नहा के फिर सब सो गए थे, क्योंकि आज इतनी अच्छी धूप थी तो बाहर जाने का कहीं मन नहीं कर रहा था। और अभी फ़िलहाल जब हम लोग उठे हैं तो एकदम हवा चल रहा है, एकदम ठंडा वाला जो हवा आके टच कर रहा है तो एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है। तो अभी फ़िलहाल मुझे एक बॉल सही करना है, वो लाइट वाला जो हमारा घर के आगे में गेट पे लगा हुआ है, वो कल जो था कल शाम को वो ख़राब हो गया, तो अभी उसको रिपेयर कर लेते पहले, नहीं तो फिर अभी शाम हो ही जाएगा, 4-4:30 तो बज ही है, तो आके उसको रिपेयर करते हैं। ये वाला बॉल है, इसी को रिपेयर करते हैं। इतना मूंगफली है, कर ले। अभी ये वाला बॉल है तो इसको वहाँ पे लगा देते हैं और वो वाला बॉल खोल लेते हैं। तो ये वाला बॉल सही है और वो वाला ख़राब हो चुका, तो उसको खोल के ये वाला लगा देते हैं बॉल। लग गया बॉल, इतना मेहनत से बहुत मेहनत करना पड़ा है इसको तोड़ के उस पार करने के लिए, क्योंकि चढ़ ही नहीं पा रहे थे वहाँ से खोलने के लिए। अभी 5:30 बज गया है
और अभी मैं फिलहाल घर पे अकेला हूँ। अभी मम्मी, कालू, अंकित, पापा सब साथ में ही वो वाले घर पे गए हुए हैं। हमारा दो घर है, आप लोगों को पता ही होगा, अगर जो जो वीडियो देखता है तो उनको तो पता ही होगा। हमारा दो घर है, एक यहाँ पे जहाँ पे नया बना है तो वहाँ पे हम लोग अभी रह रहे हैं, और एक वहाँ पे है, वो भी ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है वहाँ पे, वो वाले घर पे, तो वहाँ पे भी जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे दादा दादी अभी अकेले रहते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग शाम में सब जाते हैं वहाँ पे घूमने वूमने। तो फिलहाल अभी वो लोग गए हुए हैं वहाँ वो वाले घर पे, तो मैं यहाँ पे अकेला ही हूँ। अभी वो लोग जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं कहीं जा भी नहीं सकता, तो वो लोग को जल्दी आ जाए तो कहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे भूख लग रखा है, मुझे समोसा खाना है, क्योंकि मुझे समोसा कुछ ज़्यादा ही पसंद है। और आप लोग में से भी किस किस को समोसा पसंद है बताना कमेंट करके, क्योंकि मुझे समोसा यहाँ पे जब भी आता हूँ मैं तो ज़्यादातर मैं सोचता हूँ मैं समोसा और मोमो ही खाऊँ, क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ, तो वहाँ पे जो है समोसा बिहार के ऐसा कहीं नहीं मिलता यार। बिहार में जो समोसा मिलता है वो मुंबई में कहीं नहीं, मुंबई में वड़ा पाव अच्छा मिलता है, बट समोसा मुंबई में अच्छा नहीं मिलता है, और मोमो तो बिल्कुल कहीं भी अच्छा नहीं मिलता है यहाँ के जैसा। तो अभी फ़िलहाल मैं अभी कालू को फ़ोन किया हूँ, बोला हूँ उसी को उधर से लेते हुए आने के लिए, वो अभी वो वाले घर पे गया तो उधर से ही जाके मार्केट से लेके आ जाएगा समोसा, फिर खाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ही भूख लग रखा। तो अभी कितना देर से मुझे भूख लग रखा था, और अभी कालू जाके समोसा लेके आया है, और आप लोग को भी अगर समोसा खाना है तो आ जाओ, ये रहा समोसा, अगर किसी को खाना है तो आओ खा लो। और इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।